स्टार्ट। नागेश ठंडा क्या लेके? ठंडा क्या ले? लाना नहीं कुछ तो। बुलेट चला रहे हैं एम्पायर्स के से, कुछ तो भी लेके आना। बुलेट ओनर रवीर सिंह काले देखने की बुलेट है, अंदर कुछ भी नहीं है। मंगा लाना नहीं, बोले मेरी बाइक की तरफ से पार्टी वार्टी ठंडा वाला बेकार है या बुलेट? बुलेट बेकार है। कौन सा मॉडल है? 15। बाइक अच्छा है, अच्छा दे चला। आज मेरे को भी कल लगान वाला था, अब आज ऐसा लॉन्ग आना बोले तो अच्छा है। देखो मेरे को कुछ सब लेके आना बोले तो कर, इतने बड़े गाड़ी लेके आना बोले मुश्किल हो रहा है। आज हम इसलिए मैं आके वाली लेके आ पाई। लॉन्ग नहीं हो रहा, मैं तुम थक जा रहा हूँ तबियत दिन भर कट के, फिर वो गियर बदलो। हाल हम जा सामने देख रहा जा
सोनू निगम है ना, सोनू निगम। हाँ पाकिस्तानी है सोनू निगम, मैं वो था ना, नहीं समझा। आसिम है सर। हाँ वॉइस सेम है ना। हाँ Thank you.
Yeah,
पानी लेके आ रही जो Thank you.
Yeah.
गाड़ी का चाबी नहीं है। महेश भाई श्री राम बेकर्स बोल के बोलो 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 श्री राम बेकर्स बोल के वही था ना? हाँ आपके बैग में थी। पानी नहीं है क्या ना? पानी पीने का थोड़ा लेके आओ ना।
Get
अभी दूंगा ना, अभी इधर आया। चिना चिना बेच रहे हैं नहीं रे?
बद्री Bluetooth mode. तो अभी सुधीर भाई और बाकी गए हैं। ये टोटल स्कोर 51 इज जस्ट 28 बॉल्स। वेरी गुड इनिंग, वेल बैटिंग।
कमेंटेटर की बहुत जबरदस्त सांस फूलते हुए केपी ग्यारह ओवर की समाप्ति स्कोर 122 रन 11 ओवर कंप्लीट स्कोर 122 पर 2 विकेट्स एक बहुत ही सटीक शुरुआत मिलते हैं आज हैदराबाद वॉरियर्स को शायद आमिर अब भी 54 रन पर खेले हैं मात्र 32 गेंदों में एक बहुत ही धमाकेदार शुरुआत की थी उन्होंने पहले पावर प्ले में बहुत शानदार कुछ आकर्षक शॉट खेले थे अच्छा है गौरव दूर से गौरव अच्छा है गौरव क्लोज नहीं डालना ऐसी दूर से तब डाल के निकालना बोले अरे कुछ भी नहीं होता जी कवान ललित 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 एक और बहुत ही खूबसूरत स्टेट ड्राइव यहाँ पर बिल्कुल बॉलर के पास से कोई मौका नहीं किसी के पास इसको रोकने के लिए बॉल सीमा रेखा से बाहर एक और मिड विकेट की तरफ से छक्का फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर से निकल गई बॉल सीधी 6 रन के लिए आमिर जो तक दौरे में कुछ शांत नजर आ रहे थे फिर से वही रूप धारण कर लिया है बहुत ही आक्रामक छोड़ दो इधर देखो रेडी है बॉल तो 12 ओवर्स स्कोर 136 पर 2 विकेट्स 12 ओवर के बाद 136 रन ले लिया ना
वो फिल्डर को एक आगे सिंगल को रोक सकते हैं आप, देख लो एक बार तो रखो थोड़ा इतना दे दिए तो चल जाता हूँ। सूरी थोड़ा क्लोज रहना, आई अच्छा है, ये अच्छा है बॉयस, यहाँ पर बहुत ही फाइन खेला है, बॉल निकल गई फाइन लाइन वार्ड से बाहर 4 रन के लिए। ఐదర్ నెల్ల నాలుగు నెల్ల అయింది, ఐదర్ నెల్ల అంటున్నారు అదే భాయ్ ఉదర్ అజ్జానా ఫిర్ भैया एक बार फिर से मारना चाहते थे सामने, लेकिन बॉल फिर से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सर इप्पुडु फाइनल गेम अंटारा, माट्लाडता माट्लाडा आज भैया आप ऊपर रहो भैया, भैया जरा बात करो, बात तो ना भैया जरा बात कर लो अपने वालों से, नु असल इतना अर्धन जिसको आनो वो ना अर्धन गांधी जी కొంచెం నాకు మన నేను ఇప్పుడు నేను ఇంకే మన అంటే మంచి ఉంటా జరూరియా మన్ని నార్మల్గా మాట్లాడండి
వద్దు పంపకు, జరుగుతాయి అంటే పంపకొద్దు, అవసరం లేదు. నువ్వు అన్నవాదు రా, నేను నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు అని నేను కూడా ఒక నేను ఏ రోజైనా పంపానని అన్నాను నీకు. పంపాను అనలే నీకు, నేను ఏ రోజు అనలే, ఇప్పుడు కూడా అనలే. ఇవ్వాలా కూడా అనలే, కాల్ అంటే రికార్డ్ అంటే చెక్ చేసుకో. మాటలు నాకు ఏమోరా, సరే ఇంకా క్యాన్సల్ చేసిరా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్లాన్ వేరే. ఎక్ బార్ ఫిర్ సే నికాల్ దియా హై మిడ్ వికెట్ బౌండరీ కి తరఫ్. ఫీల్డర్ వహాన్ పర్ కోయి భీ మౌజూద్ నహీ హై తో ఉస్కా పూరా ఫాయదా ఉఠాతే బాల్ బౌండరీ లైన్ సే బాహర్ 4 రన్. बहुत ही खूबसूरत शॉट, बार फिर से का इस बार बॉल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. इसके साथ ओवर की समाप्ति 14 ओवर के बाद 157 14 ओवर कंप्लीट स्कोर 157. अब यहां से थोड़ा सा फुर्ती लाएंगे करने में, ओवर रेट थोड़ा स्लो जा रहा, उसको कवर करेंगे. ఏమేల్తదరా మాకు అట్లా చెప్తున్నా, ఏమన్నా చెప్తున్నా भैया. एक मिनट सूरी को बाद ले लो भैया, आप ये बैट्समैन को पीछे फाइल रख ले, थर्ड मैन ले लो, साई को अंदर ही रख लो. మనం అవన్నీ చూసుకోవాలి తెలుసా, క్వశ్చన్ పేపర్ పక్కన పెట్టుకొని 4-5 సార్లు చూసుకున్నా నేను తెలుసా. చందన్న లక్ష్యం పుట్టొద్దు, లక్ష్యం పుట్టొద్దు చూడు. నేను చూసుకున్న ఫస్ట్ చూసుకున్నప్పుడే క్వాలిఫై అయింది, దాని తర్వాత నాకు మార్క్స్ కూడా యాడ్ అయినాయి. చందన్న ఇంకోటి అయితే క్లియర్ తెలుస్తా ఏం చేస్తాము, అసలు అంత నువ్వు అనుకున్నంత అనుకున్నంత మంచిగా ఉండదు తెలుసా. అది మా అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్ అని కొడితే గవర్నమెంట్ జాబ్లలో చాలా మంచి పొజిషన్ కొట్టాలి, చిన్న చిన్నవి కొట్టద్దు.
ప్రెజర్ లో చాలా ఉంటాయి చిన్న వీటి. పోలీసులో ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ అంటే కానిస్టేబుల్ అంటారు తెలుసా. నార్మల్గా గవర్నమెంట్ జాబ్ వేరేది ఉన్నా అరే ఇట్లా పలానా ఆఫీసరా అది ఇంత వేస్ట్ ఉండేది ఆఫీసరా అంటే తెలుసా. ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో పనిచేసి నువ్వు అన్నట్టు మొన్న అది ఇది ఏమన్నా ఇట్లలో కొట్టుకోవాలి చూడు ఇట్లలో సుఖం ఉంటుంది. అదే ఆఫీస్లో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో పనిచేస్తాడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అన్న ఏదన్నా అది అన్నా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. అట్లా కళ పేరుకే అవి లోపల ఏముంటాయి మళ్ళీ తెలియదు పేరు చూసి పర్సన్ అవుతుంది పబ్లిక్ కాదు. బడియా 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 చంద్ర బాయ్ చందన్న నైస్ నైస్ చాలా బాగుంది. बहुत ही बेहतरीन बॉल यहाँ पर इसको बिल्कुल पूरा सम्मान दिया बैट्समैन ने अपनी किसी तरह अपने विकेट बचाते हुए. तो 15 ओवर की समाप्ति स्कोर 163 15 ओवर कंप्लीट 163 163 15 ओवर 5 ओवर्स टू गो थोड़ी सी फुल टॉस थोड़ी सी है ज्यादा नहीं है ज्यादा होती तो जाली के उस पार मिलती थी. तेरे लिए एक और झटका लगते हुए यहाँ पर हैदराबाद वॉरियर्स को उनके कप्तान स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए मात्र 11 रन का योगदान दिया उन्होंने भी टीम के लिए. यहाँ के रहते तो क्या हुआ पहले ना 11 रन मार के उठ गए तुम ऐसा चलता नहीं छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पारी है 11 रन के 20 ओवर में 11-11 बनाए तो 130 आ जाते. चंदू भाई मौत डालते हुए 11 रन मार के दो चौके बहुत भयानक दिए हैं इन्होंने. चंदू भाई एक लेग साइड एक ऑफ साइड है जहाँ लग के निकल गए दोनों के हैदराबादी. मोहित भाई को सिखाते हुए हैदराबादी जल्दी आओ यार नेक्स्ट बैच में लेट हो रही. बैट्समैन का नाम बोलो भाई अभी बदनाम. अरे जल्दी ठहराओ यार फील्डिंग क्या तमाशे कर रहे हैदराबाद. तो
कमेंट्री बॉक्स में एक बार से फिर से परिवर्तन कर लिया गया है सफलतापूर्वक। कुछ बाहरी तत्व आ गए थे, प्रवेश कर चुके थे पहले बॉक्स में, उनको फिर से बाहर कर दिया गया है। बाहरी तत्व अंपायर इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ये कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, ऐसे बताएंगे। अरे आमिर स्ट्राइक पर है, अबे है तुम्हारे हैदराबाद वायरस के उप कप्तान श्रीधर रेड्डी आ चुके हैं। बहुत बढ़िया ले ले। और ये एक और सफलता इस ओवर में, तो 3 विकेट निकाल चुके हैं ललित कहर बरपाते हुए पूरा। मैच एक तरफ से पूरी तरह प्रस्तुत है, एक बार ऐसे लग रहा था कि आज 250 रन भी मार सकते हैं हैदराबाद वॉरियर्स, अभी भी 165 पे रुके हुए हैं। लेकिन उनके लिए सबसे सुखद बात यह है कि अभी भी उनके सलामी बल्लेबाज आमिर वहां पर मौजूद है। तो छठी झंडी का पतन, तो इस बॉल को पूरा सम्मान दिया और इसके साथ ओवर की समाप्ति। तो 16 ओवर के बाद स्कोर 165 रन, 2 रन दिए 3 विकेट लिए, बोलो बोलो। ये ओवर बहुत ही सफल रहा ललित का, इसमें 3 विकेट निकालने में कामयाब रहे, टोटल 4 विकेट लिए हैं उन्होंने 3 ओवर में। 2 रन दिए 3 विकेट निकाले। दूसरा वर्ड देंगे, बहुत ही किफायती ओवर रहा। लेकिन यहाँ पर आमिर ने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ खेला है।
दूसरा रन लेना चाहते थे नो स्ट्राइकर, वो उनको सही समय पर बिल्कुल वापस भेजा, वरना हमको वापस जाना पड़ता पवेलियन की तरफ। बहुत ही अच्छा कॉल था आमिर का, उनको सही समय पर क्रीज में वापस भेजा। भैया पांच फिराना पूरे बॉलिंग, भैया ये इनसे अच्छा फिर रहा बॉल, चार विकेट दिए गाइस, चार विकेट दिए, ये इनसे बॉल फिर रहा भैया। बार बॉल को भेज दिया है उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर नहीं है तो उसका पूरा फायदा होता है। आमिर के परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए अपने व्यवहार में, जिस स्ट्राइक रेट से रन बनाने शुरू किए थे वो स्ट्राइक रेट अब तक कायम रखे हुए हैं, 200 से ऊपर का है। इस बॉल में अतिरिक्त उछाल मिलते हुए गेंदबाज को, हमारे साथी कमेंटेटर को माइक की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत वॉल्यूम हाई है उनका। कवर की तरफ और ये दूसरे रन के लिए कॉलर सफलतापूर्वक पूरा गया, बहुत ही अच्छी दौड़ दोनों बैट्समैन से विकेटों के बीच में, इस दो रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 173। तो शून्य के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 173 आफ्टर 17 ओवर्स। ललित जिनके पिछले ओवर में पूरा मैच बदल गया था, देखते हैं इस ओवर में क्या कारनामा करके दिखाते हैं। पिछले ओवर में 3 विकेट निकालने में कामयाब रहे थे, अब तक 4 विकेट ले चुके हैं। तो व्हाइट टाइगर की तरफ से अब तक सबसे सफलतम गेंदबाज साबित हुए हैं। इस बार बहुत ही अच्छा रन पूरा खेल रन चुराते हैं यहाँ पर। बस ये फिल्डर इसको सिंगल दे दिया, तब सकल बैट्समैन है मार देता ना बाहर जाता ये फुल टॉस बॉल को भेज दिया है जहां पर इसको जाना चाहिए था बाउंड्री से बाहर, वो भी 6 रन के लिए। आप एक सेट बैट्समैन को ऐसी ये लाइन पे गेंदबाजी नहीं कर सकते, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आराम से आमिर, स्कोर बढ़कर हो गया है 180-180। हेलो बार बहुत ही खूबसूरत बॉल के साथ वापसी करते हुए पूरी तरह चकाते हुए इस बार बैट्समैन को। आराम से आमिर, दो और है।
ललित ने बताया अगर लाइन लेंथ सटीक रखे तो सामने सेल्फ दर्शन भी हो तो उनको भी मजबूर होना पड़ता सम्मान देने के लिए। वाह क्या बात, अर्ज किया है वो एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन बॉल यहाँ पर पिछली दो गेंदों में अच्छी वापसी करते हुए तो इसी के साथ ये आखिरी गेंद पर विकेट निकालते हुए नहीं नहीं ये वो फुलटॉस बॉल नहीं था कोई बात नहीं आउट होने से पहले भाई बहुत ही एक संतोषजनक पारी खेल के जा रहे हैं 92 रन बनाए मात्र एक मिनट भाई सांस आने तो थोड़ा 49 बॉल्स 92 रन्स टोटल स्कोर 180 पर 7 विकेट बहुत ही शानदार पारी खेल के जाते हुए भाई फोटो ले लो ललित ने एक बार फिर से आज 5 विकेट प्राप्त किए पिछले मैच में भी शानदार गेंदबाजी की थी अपनी वो लय बरकरार रखते हुए आज फिर 5 विकेट लेने में सफल रहे बिल्कुल ये सलीम की पहली गेंद पर रिजवान पगबादा होकर वापस जाते हुए पगबादा उसे को बोलते हैं दिन क्या बात है प्लम ने पगबादा क्या बोल है पगबादा पगबादा वो करते हुए सलीम भाई धामिन डाल डाल के पगबादा कर दिए आपको नहीं बोले टेंशन लगे ये धामिन बार रोकते हुए भाई टाइगर्स का बहुत ही अच्छा कमबैक 10 ओवर के बाद आमिर की बहुत अच्छी बैटिंग बहुत अच्छा शॉट एक रन सुधीर भाई की 150 रन मारते चले गए और रोप से दरा दस दरा दल एक्स्ट्रा कवर कवर में पूरा टूर्नामेंट में ना मारा उसको तो कोई भी नहीं मारा आज उधर ओहो ओहो दो रन के लिए जाएगी अरे दो रन ये तो शामी पराड़ा बाल डालते हुए क्या था भैया ये बॉलिंग 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 बॉलियो बॉलियो ये नागिन बॉल भाई जान दो अभी अच्छा बॉल डॉट होगा था कहीं फेंक दे रहे इधर उधर 10 फील्डरों से फील्डिंग करते हैं एम्पायर फील्डर चेक करो एक प्लेयर गए भाई इसमें ऐसे बात करते
बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं साई, बहुत अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर मिड विकेट पे जबरदस्त है, पर जहाँ पर दो रन होने चाहिए थे एक ही रन मिला। फर्स्ट ओवर डाला था, बीच में लिखा हुआ साइन, आगे पीछे कुछ चीते के जैसी फील्डिंग करते विनय भाई, और बहुत अच्छे तरीके से दो रन चुरा लिया है बैट्समैन ने। बहुत अच्छा शॉट था, बेहतरीन शॉट। एम्पायर का इशारा आउट। अन्ना इंदु कौन हैदराबाद वॉरियर्स। हेलो और एक प्लेयर बाकी है। सलाम में जलसा बोलते हैं वैसे सुनियो रे वॉरियर। दस लास्ट टिकट है, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं हैदराबाद वॉरियर्स। हां ये और हैदराबाद फील्डिंग नहीं करते हैं, अच्छा बैटिंग करते हैं सारी। नहीं थोड़ा थोड़ी देर गया तो उधर चले गया था, इधर आ गया। अंपायर सुपर बॉल एंड फिनिश, जबरदस्त। टाइगर वॉरियर्स, टाइगर और वॉरियर्स वो टीम खेलते हुए।